हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है कुमारी रीमा की रसोई में। आज मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसमें लगने वाले यंत्र उबला हुआ मटर एक कटोरी के लगभग, और तीन से चार आलू उबला हुआ। मसाले के लिए लहसुन, अदरक, टमाटर जिसको मैं पेस्ट बना लूँगी ग्राइंडर जार में डाल करके, और प्याज दो जो आप देख सकते हैं, दो प्याज है, और नमक, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं। अब मैं जीरा और मिर्च दिखाना भूल गई थी, इसलिए जीरा थोड़ा सा है और चार पांच मरीच मैंने लेकर के मसाले को ग्राइंडर जार में डाल करके प्याज, लहसुन, ऑनियन सबको डाल करके मैंने मिक्स ग्रेवी बना लिए हैं। इसी में मैं सब्ज़ी मसाले ऐड कर लूँगी। एक चम्मच के लगभग ये सब्ज़ी मसाले हैं वाली स्पून है, इसी से मैंने सबकी मात्रा रखी है। हल्दी पाउडर डालूँगी इसमें और इसको मैं मिक्स करूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देख सकते हैं अब मसाले रेडी हो चुके हैं। मैं गैस ऑन करूँगी, तो आप देख सकते हैं टमाटर को भी मैं ग्रेट कर लूँगी। देख सकते हैं टमाटर को मैंने ग्राइंडर जार में डाल लिया, मैं इसे ग्रेट करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं इधर तेल डालूँगी इसमें, एक चम्मच के लगभग तेल डालूँगी। ये आप देख सकते हैं एक से डेढ़ चम्मच के लगभग कढ़ाई गर्म हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इसमें सौंफ, जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता सबको मैं इसमें ऐड कर लूँगी। पत्ता रखने के लिए इसको फ्लेम कर दें। कटा हुआ प्याज है जो आप देख सकते हैं, एक छोटा सा प्याज मैंने लिया, इसको मैं इसमें डाल दूँगा और मसाले को मैं रेडी लूँगी। अब आप देख सकते हैं मसाले प्याज भून चुके हैं। अब मैं इसमें सब्जी मसाले डालूँगी जो आप देख सकते हैं, इसको मैं अच्छे से भूनूँगी। अच्छे से भूनना है। इसमें लाल मिर्च आधी चम्मच से लगभग मैंने लिया है, इसको इसमें अच्छा भून लेना है। अच्छे से हल्का सा भून जाएगा तब मैं इसमें टमाटर डाल भूनना है। इसको धीमी फ्लेम पर ये प्रोसेस करें तभी अच्छे से बन लेते हैं। नमी मिर्च जी बहुत ही टेस्टी होती है। आप छोले पूरी पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, पुलाव इन सब के साथ आप इसे देखिए, ये हल्के से भून चुके हैं। मैं इसमें टमाटर की ग्रेवी जो मैंने आप लोग को बताया थे वो तो मैं इसमें टमाटर को इसे भूनूंगी। देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। मैं इसमें आलू, सबसे पहले आलू मैं ऐड करूँगी। देखिए आलू मैंने कट कर लिए हैं, आप इसी तरह कट कर ले। इसको अच्छे से मिक्स करें। जब आलू अच्छे से मिक्स हो जाए तब मैं इसमें उबले हुए मटर, देख सकते हैं एक सीटी ले डलवा करके आप भी उबाल लें और भी इसमें डाल लें, कढ़ाई में ट्रांसफर कर लें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आलू भी उबले हुए हैं और मटर भी उबले हैं, इसलिए इसमें अधिक टाइम नहीं लगेगा। बस मुझे इसे मसाला पकने तक वेट करना है। अब इसमें आप गरम मसाले भी ऐड कर लें, मात्रा मैंने आप लोग को बताया है।
आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले सकते हैं। तीखा अगर पसंद कर रहे हैं अभी तो आप आधे चम्मच के नज़दीक आप एक चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी मैंने इसमें तड़के में मैं डाली हुई थी, दो मिर्च सूखा जो आप देखे ही हैं, इसमें मैं एक चम्मच के लगभग ये खाने वाली स्पून जो होती है उससे मैंने एक चम्मच नमक लिए, इतना नमक इसके लिए पर्याप्त है इन सब्जी के लिए। अब सबसे मैं एक गिलास पानी मैंने आप लोग को दिखाया है इतना ही। अगर आप ग्रेवी अधिक रखना चाहते हैं तो एक के जगह डेढ़ गिलास भी पानी ऐड कर सकते हैं। यकीन मानिए मेरे तरह आप भी इसे बना करके एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये किस तरह का बना है। अब बिल्कुल भून चुके हैं, सब मिक्स भी हो चुके हैं पूरे मसाले। एक गिलास पानी है जो मैं इसे इसमें डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं देखिए इतनी सब्जी के लिए एक गिलास पानी पर्याप्त है। मैंने पूरे पानी ऐड कर चुके हैं। अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो आप इसे गार्निश करें। देख सकते हैं सब्जी बन चुकी है, मैं इसे खाने की थाली में डाल रही हूँ। आप इसे रोटी चावल के साथ परोस सकते हैं, इसे आप लंच में भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी मानिए सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। आप भी घर पे बनाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। देखिए अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।